हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम एंड वेलकम टू दी नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेक्चर्स टू वी विल कंटिन्यू विथ द रिमेनिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट हैज हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दी प्रीवियस लेक्चर्स सो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दैट रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन्स हैज़ बिगीन सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर इज अगेन रिलेटेड टू दब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी कैसे पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है कब कब पार्लियामेंट सेशन होगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या उसके लिए प्रोविजन्स बनाए गए हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज डिटेल्स सो रिसेंटली द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिगन आफ्टर द reshuffling ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड the कैबिनेट कमिटीज़ देखिए रिशफलिंग ऑफ कैबिनेट जो हुआ है कैबिनेट uh, रिशफल तो हमें जो पॉलिटिकल उसमें न्यूज़ है उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यू नीड टू रीड ऑल दोज डिटेल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है सो so, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैबिनेट रिशफल का क्या रिलेशन है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है दैट इज़ बिन गिवन अ नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो कि कॉपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो इंडिया में जो कॉपोरेट सेक्टर है जैस जिसको हम सहकारी क्षेत्र बोलेंगे तो उसको बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है और uh, हमारे जो होम uh, मिनिस्टर है अमित शाह ही विल बी हैंडलिंग दी एक्सटर्नल चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए और जो मेजरली जो पोर्टफोलियोज जो चेंज हुए हैं जो नए मिनिस्टर्स बने हैं उनका जस्ट एक बार आप नाम आ, जान लीजिए कैबिनेट रैंक किसको मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होता है आ, इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है ये सारी डिटेल पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हमें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से हमें पता होनी चाहिए सो रिसेंटली द मॉनसून सेशन ऑफ़ द पार्लियामेंट हैज़ बिगन आफ्टर द रिशफलिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट कमिटीज क्या है सेशंस ऑफ़ पार्लियामेंट सो द समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 फाइव ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आर्टिकल 85 फाइव ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखा गया है दैट हाउ द पार्लियामेंट शुड बी समंड सो पावर टू कन्वीन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट हमने देखा जैसे पिछले साल कोविड में जो सेशन्स थे वो नहीं हुए क्यों क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट uh, नहीं चाहती थी कि कोई रिस्क रहे और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिजी थे एंड दैट्स वाई उस टाइम पे सेशन नहीं हो पाए थे द डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंटरी अफेयर्स विच इज़ फॉर्मलाइज्ड बाई द प्रेसिडेंट इन हुज नेम एम आर समंड टू मीट फॉर अ सेशन तो जो पार्लियामेंटरी कमेटी डिसाइड करेगी कि इस तारीख से पार्लियामेंट सेशन को कमेंस करना है और इस, ता, इस तारीख को पार्लियामेंटरी सेशन एंड करना है वो पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी और राष्ट्रपति के नाम पर इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है आ, दोनों सदनों के उनको समन किया जाएगा कि फॉर्मल नोटिफिकेशन दिया जाएगा दैट फ्रॉम दिस डेट पार्लियामेंट सेशन इज गोइंग टू बिगिन इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंटरी कैलेंडर हमारे पास कोई पार्लियामेंटरी फिक्स कैलेंडर नहीं है बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट मीट्स फॉर थ्री सेशन इन दर एक हो गया आपका बजट सेशन एक हो गया आपका मानसून सेशन द लॉन्गेस्ट बजट सेशन स्टार्ट टवर्ड्स द एंड ऑफ जनुअरी

parliamentary committee will summon all the members in the name of the Indian president summoning of the summoning is the process of calling all members of the Parliament to meet the president summons each house of the Parliament from time to time the gap between two sessions of the Parliament cannot exceed six months which means the Parliament meets at least two times in one year. एडवाइमेंट कब होगा सो so, एडमेंट के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पार्लियामेंट का एडजॉइनमेंट मिनट्स बेसिस पे आवरली बेसिस पे और डे बेसिस पे भी हो सकता है व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन और जब लास्ट डे होगा तो इनडिफाइनाइट टाइम के लिए पार्लियामेंट को क्या कर दिया जाएगा एडजॉइन कर दिया जाएगा स्थगित कर दिया जाएगा स्पीकर फॉरमरली नोटिस देकर ये बता देंगे दैट पार्लियामेंट Is now uh, adjourned sine die or uh, until the next notice. So adjournment term, terminates the sitting of the house which meets again at the time appointed for the next sitting. The postponement may be for a specified time such as hours, days, or weeks. In the meeting, if the meeting is the terminated without any definite time, और डेट फिक्स फॉर नेक्स्ट मीटिंग इट इज कॉल्ड एडजोनमेंट साइन अडाई तो साइन एड आप आ, इस बार नोटिस कीजिएगा अगर लोकसभा और राज्यसभा जब आखिरी दिन पे होगी सेशन के जब आखिरी दिन पे होगी तो उस टाइम पे जिस दिन आखिरी जो कंडक्टेड बिजनेस जो होगा वो जैसे ही खत्म होगा एडन्मेंट साइन डाई का आपको वहां पे नोटिस दिख जाएगा ओके okay, क्यों क्योंकि नेक्स्ट सेशन का जो टाइम है जो डेट है दैट इज नॉट येट डिसाइडेड तो इसीलिए अनिश्चित काल के लिए राज्यसभा या लोकसभा ओवरऑल पार्लियामेंट को क्या कर दिया जाएगा स्थगित कर दिया जाएगा The पावर ऑफ adjournment एज वेल एज adjournment साइनड आई लाइज विथ दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दी हाउस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या है स्पीकर और चेयरमैन इन केस ऑफ लोकसभा इट इज स्पीकर इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज चेयरमैन प्रोरोगेशन क्या होगा सो प्रोरोन इज द एंड ऑफ सेशन एंड नॉट द डिजोल्यूशन ऑफ हाउस इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो देखिए साइनडाई का अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है बट वो लोकसभा को इट डज नॉट इंडिकेट दैट लोकसभा इज डिजोल्ड ओके लोकसभा कब डिजोल्व होगी अगर एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली देन हर पाँच साल में लोकसभा डिजोल्व होगी और उस टाइम पे बहुत सारे डिस्कशन होंगे कि ये पूरे पाँच साल लोकसभा का कार्यकाल कैसा रहा वैन वी आर गोइंग इन टू जनरल इलेक्शन सो दिस इज अ प्रोरोगेशन कोरम क्या होगा सो कोरम रिफर्स टू द मिनिम नंबर ऑफ द मेम्बर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग ऑफ दी हाउस किसी भी कन्वेंशन में या डिस्कशन में एक कोरम डिसाइड किया जाएगा राइट right? और वो कोरम क्या होगा कि भाई कुछ भी अगर रिजोल्यूशन पास करना है कुछ लॉ पास करना है या कोई भी डिसीजन को अप्रूव करना है सो देयर इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनका प्रेजेंट होना जरूरी है अगर उससे एक भी मेंबर कम है दैट मीन्स के कोरम पूरा नहीं हुआ और कोई भी डिसीजन वो जो बॉडी है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगी सो कोरम रिफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्ट

सेल्फ सो टू कंडक्ट दिटिंग ऑफ लोकसभा देर शुड भी एटलीस्ट फिफ्टी फाइव मेंल टू कंडक्टिंग ऑफ राज्यसभा देर शुड भी एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव मेंबर्स प्रेजेंट क्यों क्योंकि राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है दैट इज टू फिफ्टी मेंबर्स ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन जीरो एट तो कब कब जॉइंट सेशन होगा सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट टू हाउसेज दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा इन ऑर्डर टू ब्रेक एनी डेडलॉक बिटवीन द टू हो सकता है कि लोकसभा ने कोई बिल पास किया और राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा है या राज्यसभा ने कोई बिल पास किया और लोकसभा उसको पास नहीं कर रहा है सो इन दिस काइंड ऑफ डेडलॉक सिचुएशन ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है कौन बुलाएगा अगेन प्रेसिडेंट द ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाई दी प्रेसिडेंट सच अ सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाई द स्पीकर मतलब लोकसभा के जो स्पीकर होंगे uh, वो इसको प्रिसाइड करेंगे जो इन करंट सिनारियो अगर लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है सो so ओम बिरला इन नॉर्मल सिनारियो ओम बिरला विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जॉइंट सेशन इन हर और हिज एब्सेंस द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसको प्रिसाइड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ बोथ इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाई द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा

या देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि जब दोनों सदनों को मिलाकर डिस्कशन करना हो या yes, uh, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करनी हो कि okay? वो कोई मेजर इवेंट तब जाके भी जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल ओके नाउ हमें लोकपाल तो पता है कि भाई लोकपाल क्या है सो so, लोकपाल एक ऐसी बॉडी है जो पब्लिक ऑफिसिस के करप्शन के ऊपर ध्यान रखेगी बट वॉट इज डिरेक्टर ऑफ इंक्वायरी सो रिसेंटली एक आर टी आई में ये पता चला कि इट हैज़ बीन रिवील्ड दट द सेंटर गवर्नमेंट इज येट टू अपॉइंट अ डिरेक्टर ऑफ इंक्वायरी मोर देन टू ईयर्स आफ्टर द लोकपाल केम इन टू बीग तो लोकपाल को अपॉइंट कर दिया गया है बट दो साल से डिरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है क्या है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी सो एज़ पर दी लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट ट्वेंटी देयर देर शेल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू देंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे ना हो ऐसे किसी को डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी बनाना होगा As per the provisions contained under section 21b of the Lokpal and Lokayuktas Act 2013, complaints in respect of public servants are referred by the Lokpal to the Central Vigilance Commission for a parliamentary inquiry. The non appointment of Directory of Inquiry again reflects the lack of political will for strengthened Lokpal in India. Toh, कोई भी अगर पोस्ट खाली है लोकपाल के अंडर तो दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक ऑफिस को या पब्लिक ऑफिसर्स को स्क्रूटिनाइज किया जाए ऑन बेस्ड ऑफ दी करप्शन चार्जेस लोकपाल क्या है सो so, अ लोकपाल इज़ एन एंटी करप्शन ऑथोरिटी और ओम्बर्ट्स हु रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट राइट तो कोई जो भी पब्लिक ऑफिस है वो करप्शन कर रही है नहीं कर रही है अगर कोई करप्शन चार्जेस है तो उसको एनालाइज uh, करने का उसको रिव्यू करने का जो अथॉरिटी है वो किसको दिया गया है लोकपाल को दिया गया है इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन द कंसेप्ट ऑफ एन ऑम्बर्ट्स वाज़ बोरोड फ्रॉम स्वीडन अगेन द एग्जाम क्वेश्चन की लोकपाल का जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है स्वीडन से लिया गया है लोकपाल अगर आपको एग्जाम में लोकपाल की जगह ओम्बर्डमैन का वर्ड भी स्पेसिफिक ओम्बर्ड्समैन वर्ड भी दिया गया होगा सो नो नीट टू कंफ्यूज यूर सेल्फ लोकपाल इज सेम एज ओम्बर्ड्समैन द लोकपाल इज द अपेक्स बॉडी टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट ग्राफ्ट कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरी फंक्शनरीज केम इन टू बींग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड मेम्बर्स इन मार्च ट्वेंटी नाइनटीन The first administrative reforms commission of India recommended the setting up of two special authorities designated as Lokpal and Lokayukta for the redressal of citizens' grievances. The Lokpal is responsible for inquiring into corruption charges at the national level, while the Lokayukta performs the same function at the state level. Okay, so Jokam Lok Lokpal. नेशनल लेवल पे करेगा वही काम लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे करेगा द लोकपाल हैज़ ए जूरीडिक्शन ओवर ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन केसेस ऑफ़ करप्शन तो लोकपाल हैज़ ए जूरीडिक्शन ओवर ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन केसेस ऑफ़ करप्शन देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है uh, सारे राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं दोज कम अंडर दू ऑफ लोकपाल अपार्ट फ्राम दिस लोकपाल कैन ऑल्सो इंक्वायर इन टू एंटीग्राफ्ट कंप्लेट रिगार्डिंग एनी मेम्बर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ होली और पार्शली फिनंस्ड बाई देंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाई इट तो जो फुल्ली ग्रांटेड और सेमी ग्रांटेड जो एजेंसीज हैं जितने भी बॉडीज है वो भी लोकपाल के परव्यू में आ जाएंगे Presently, Justice Pinaki Chandra Ghosh is the chairperson of Lokpal. अगर आप गुजरात related कोई exam दे रहे हो तो homework for you that गुजरात के current लोकायुक्ता का नाम आपको मुझे बताना है या अपनी note में लिखना है Lokpal is a multi-member body that consists of one chairperson and a maximum of eight members. तो देखिए Pinaki Chandra Ghosh is the first एवर लोकपाल इन इंडिया एंड लोकपाल इज अ मल्टीमेंबर बॉडी दैट कंजिस्ट ऑफ वन चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ अदर एट मेंबर्स इश्यूज रिगार्डिंग लोकपाल क्या है सो लोकपाल इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द पोलिटिकल इंफ्लुएंस एज दी अपॉइंटिंग कमिटी इट्स सेल्फ कंजिस ऑफ अ मैंबर फ्रॉम पोलिटिकल पार्टीज दिलेक्शन कमिटी अब देखिए यही चीज़ हमारी जुडिशियरी के बारे में भी कही जा रही है कि जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट है सीजीआई की जो अपॉइंटमेंट है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है जो कि कुछ अलग तरीके से उनको अपॉइंट करना चाहिए तो सेम चीज़ लोकपाल के बारे में है लोकपाल की जो अपॉइंट अपॉइंटिंग कमेटी है वो पार्लियामेंट्री Member से ही बनी हुई है तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर नहीं रह सकती दी सिलेक्शन कमिटी फॉर लोकपाल इज कंपोज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन स्पीकर ऑफ द लोकसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज नॉमिनेटेड बाई हिम एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट तो इतने लोगों से लोकपाल कमेटी बनी हुई है दी अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ वे एज देर इज नो क्राइटेरिया टू डिसाइड हु इज द एमिनेंट ज्यूरिस्ट और अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी तो आप किसी को भी बिठा सकते हो एमिनेंट ज्यूरिस्ट का कोई बार नहीं है कि इसी क्राइटेरिया वाले इंसान को आप वहाँ पर बिठा पाओगे तो गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट एनी बडी फॉर दिस द बिगेस्ट ल्यूकेन इन द एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एमबिट ऑफ द लोकपाल तो जुडिशरी को यहाँ से बाहर रखा गया है दी लोकपाल इज नॉट गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एंड देर इज नो एडिकुएट प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट दी लोकपाल दी कंप्लेट अगेंस्ट करप्शन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच द ऑफेंस मैंशनड इन सच अ कम्प्लेट इज एलिजिब टू हैव बीन कमिटेड तो देखिए द कंप्लेंट अगेंस्ट द करप्शन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स फ्रॉम दी डेट ऑफ विच दी ऑफेंस मैंशनड इन सच अ कम्प्लेट इज अलिजिड टू हैव बिन कम सात साल के बाद केस एनी anyway, वे क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप रजिस्टर कंप्लेन करवाने नहीं जा सकते ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी लोकपाल एंड डिरेक्टर जनरल ऑफ डिरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो कि सीट खाली है लोकपाल का एकाद सवाल कोई ना कोई एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है तो आपको उनका टेन्योर क्या है हाउ uh, लोकपाल इज अपॉइंटेड लोकपाल कमेटी क्या है कब बना लोकपाल स्टेट में लोकायुक्ता कैसे अपॉइंट किए जाते हैं इन विच स्टेट्स लोकायुक्ता आर स्टिल नॉट अपॉइंटेड ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम Why we are studying again about the Stand Up India scheme? So recently Ministry of Finance has extended the Stand Up India scheme up to the year 2025. So 2025 तक Stand Up India जो scheme थी, उसको क्या कर दिया गया है, extend कर दिया गया है। क्या है Stand Up India scheme? क्यों इसको uh, extend किया गया? We will see that. So इसको launch किया गया था April 2016 में. टू प्रमोट एंटरप्रिन्योरशिप एट द्रास रूट लेवल फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एड जॉब क्रिएशन सो इसको अनदर भाषा में आप क्या बोल सकते हो जो आपके स्टार्टअप है राइट right? तो स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी टू एम क्या था बेसिक एम था टू लेवरेज द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर टू रीच आउट दी अंडर डिजर्व सेक्टर ऑफ पीपल सच एस एस सीज एस टीज एंड वुमेन एंटरप्रिन्योर्स फेसिलिटेट बैंक लोन्स सो दी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन रुपीज टेन लेक टू वन करोर टू एटलीस्ट वन एस सीज और एस टी बोरोस्ट वन वुमन बोरो पर बैंक ब्रांच और स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक फॉर सेटिंग अप अप्रीन फील्ड एंटरप्राइज तो एक छोटा सा अगर आपको एंटरप्राइज बनाना है जिसमें कि ऐसी लोन दी जाए जिसका जो रेसिपेंट है वो कौन हो या तो ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट से हो या तो शेड्यूल्ड ट्राइब से हो या तो वुमेन हो दिस एंटरप्राइज में भी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और दी अदर ट्रेडिंग सेक्टर तो जिसके लिए लोन दी जाएगी वो तो या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विसेज होगा या तो ट्रेडिंग सेक्टर होगा एलिजिबिलिटी क्या होगी अगर आपको लोन लेना है अंडर दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम तो एस सी एस टी एंड और वुमन एंटरप्रीन्योर्स अबव एटीन ईयर्स ऑफ एज मिनिमम एज आपकी अट्ठारह साल होनी चाहिए अठारह साल से ऊपर अगर आप इन तीन कैटेगरी में किसी भी एक में हो तो आपको वो लोन मिलेगी लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ये लोन्स दी जाएगी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स इन इज़ वन विच इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाई प्रियर वर्क इट इज कंस्ट्रक्टेड और अनयूज लैंड वेर देर इज नो नीड टू रीमॉडल और डिमोलिश एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो नया बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच अगर आपका कोई पुराना बिजनेस चल रहा है पुराना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहा है आप उसके रीमॉडलिंग के लिए यू कैन नॉट अक्वायर दिस लोन यू कैन नॉट द लोन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बोरोअर शुड नॉट बी इन द डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लोन लेने से पहले ही अगर आप डिफ़ल्ट में अगर आपका नाम चल रहा है तो गवर्नमेंट आपको लोन नहीं देगी क्यों नहीं देगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑलरेडी अ डिफॉल्टर आपने पहले वाले लोन नहीं चुकाए तो गवर्नमेंट आपको और एक लोन देने का रिस्क नहीं लेगी इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज अगर एक से ज्यादा लोग हैं एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड विद ईदर एन एस सी और एस टी और वुमन एंटरप्रेन्योर अगर एक से ज़्यादा पार्टनरशिप में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई छोटा सा बिजनेस और अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो 51 परसेंट जो स्टेक है वो किसके पास होने चाहिए एस सी एस टी या वुमेन के पास होने चाहिए न्यू चेंजेस क्या है इसमें सो द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फॉर लोन्स अंडर दिस स्कीम हैज बीन रिड्यूस्ड अपू ट्वेंटी फाइव परसेंट टू अप टू फिफ्टीन एंड एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्कीम तो एग्रीकल्चर के साथ जो भी एक्टिविटीज़ थी उसको भी पहले इंक्लूडेड नहीं थी इसको इंक्लूड कर लिया गया है और मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट जो था वो अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट था जो कि अब उसको घटाकर क्या कर दिया गया है फ़िफ्टीन परसेंट कर दिया गया है ताकि इसके रीच को क्या किया जा सके बढ़ाया जा सके कनेक्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे सो दी ऑफिस ऑफ सिडबी दैट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो आपके एग्रीकल्चर और डेरी प्रोडक्ट्स uh, और रूरल डेवलपमेंट के साथ काम करती है सो so, सिडबी और नाबार्ड आर डेजिग्नेटेड स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स क्योंकि देखिए बेसिकली विलेज మే ఎంటర్‌ప్రెనియర్స్ కో బడోత్రి దేనే కే liye యే స్కీమ్ లాయి గయీ హై పర్ఫార్మెన్స్ సో ఫార్ సో బ్యాంక్స్ హవ్ సెంక్షన్డ్ రూపీస్ 26224 క్రోర్ టు అబౌట్ 1,16,266 బెనిఫిషియరీస్ అండర్ ది స్కీమ్ ఇన్ ది లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ ది స్కీమ్ హస్ బీన్ బెనిఫిటెడ్ మోర్ దెన్ 93000 వుమెన్ ఎంటర్‌ప్రెనియర్స్ తో 93,000 जितनी महिलाओं को भी इसका फ़ायदा मिला है ओके okay, और स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम क्या होगा लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो कि अलग अलग बैंक्स में पैसा डिवाइड करेगा कनेक्ट सेंटर्स सिडबी और कनेक्ट सेंटर्स नाबार्ड तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे एम डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स बनाए जाएंगे तो ग्रास रूट लेवल पर ये सारी एजेंसीज के थ्रू लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करेगा ओके okay? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन वाई वी आर स्टडिंग अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन तो रिसेंटली जो कोविड के बाद जो चर्चा उठी कि हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी पुअर एंड दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन इन अपकमिंग ईयर्स क्योंकि आने वाले सालों में कोरोना भी गया नहीं है कोरोना कितना चलेगा वी डू नॉट हैव एनी आइडिया आने वाले सालों में कैसे ऐसी महामारी से लड़ा जा सके इन अ बेटर वे ओके इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन फर्स्ट एंड सेकेंड वेव बट स्टिल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए बेस्ड ऑन अवर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर दैट वी हैव बिन डूइंग फॉर लास्ट सेवेंटी ईयर्स तो उसकी वजह से नेशनल हेल्थ मिशन क्या है कैसे इम्पैक्ट करेगा ये सारी चीज़ें अभी लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस की गई सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा दैट नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्टेड हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियट हेल्थ सिस्टम ओके डेफिनेटली उसका फायदा हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला बट स्टिल वी आर नॉट अप टू दार्क क्या है एनएचएम सो एन एच एम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी थर्टीन सब्स्यूमिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन तो दो मिशंस को uh, साथ में मिक्स करके नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया एक चलाया जा रहा है रूरल लेवल पे एक चलाया जाएगा अर्बन लेवल पे दी मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर रिप्रोडक्टिव मेटरनल टल चाइल्ड एंड अडोलसेंट हेल्थ एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजे बेसिक फोकस इन डिजीज पे रखा गया दिन एच एम एनवीज इज अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज देट देट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स तो आपके आस पास आपको बताओगा कि हेल्थ uh, सेंटर्स बनाए गए हैं आरोग्य केंद्र बनाए गए हैं सो दोज आर पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन बेसिक गोल क्या था नेशनल हेल्थ मिशन का हमने देखा ना कि कि चाइल्ड पे और वुमेन पे ध्यान रखना है सो रिड्यूस मेटरनिटी मोर्टालिटी रेट टू वन पर हंड्रेड लाइव बर्थ्स रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो बच्चे तुरंत मर जाते हैं जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाते हैं या कुछ महीनों में मर जाते हैं कुछ हफ्तों में डेथ हो जाती है उनकी तो उसको रिड्यूस करना है रिड्यूस टी एफ आर टू टू पॉइंट वन प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमन एजड 15 टू 49 नाइन ईयर्स अब देखिए इससे दो फायदे होंगे अगर 15 टू 49 की एज की महिलाओं का एनीमिया अगर आपने क्योर कर दिया तो जब वो महिला प्रेगनेंसी में जाती है तो उसके बच्चे को इनफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा मिलेगा प्रिवेंट एंड रिड्यूज मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिजीज रिड्यूस हाउस होल्ड आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर ऑन टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर रिड्यूस एन्यल इंसिडेंट्स एंड मोर्टेलिटी फ्राम ट्यूबर क्यूलोसिस बाई हाफ़ तो ट्यूबर क्यूलोसिस मलेरिया लेप्रेस ये सारे ऐसे डिजीज हैं जिसकी अब हमारे पास वैक्सीन आ गई है राइट right? सो so, और हमारा गोल है कि बाई ट्वेंटी थर्टी मलेरिया को अपने को ख़त्म करना है मेरा इंडिया कैंपेन हम इतने जोर शोर से चला रहे हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन में ये सारे डिजीज़ को भी ज़्यादा फोकस दिया गया है काला अजल एलिमिनेशन बाय 2015 था ओके बट वो नहीं हो पाया तो अब उसको क्या कर दिया गया है एक्सटेंड कर दिया गया है जब 2013 में ये लॉन्च किया गया एट दैट टाइम ये रखा गया था कि काला अज़हर को एलिमिनेट करना है बट अभी हमने पिछले साल देखा कि काला अज़हर के काफ़ी सारे केसेस हमें बिहार झारखंड छत्तीस छत्तीसगढ़ जैसे एरियाज़ में आ, होते हुए दिखे सपोर्ट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरीटरीज सो एन नेशनल हेल्थ मिशन सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स यूनियन टेरीटरीज फॉर सेटिंग अप न्यू फैसिलिटीज़ एज पर नॉम्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ब्रिजिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट पोस्ड बाई दैम तो जब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी तो उनको वो सारे गैप्स फिल करके दिए जाएंगे फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्रूटमेंट वो सारी चीज़ें भर के दी जाएगी हेल्थ सर्विसेज कैसे होगी सो एन एच एम सपोर्ट्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर प्रोविजन ऑफ अ रेंज ऑफ फ्री सर्विसेज रिलेटेड टू मेटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ एडोलसेंट हेल्थ फैमिली प्लानिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ओके जो यू एन पी हम लोग चला रहे हैं कि इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन करना है अपने को और उसमें सारी ट्वेल्थ ऑलमोस्ट ट्वेल्व जितने डिजीज की वैक्सीन दी जा रही है एंड फॉर मेजर सच सचेज ट्यूबर क्यूलोसिस वैक्टरबॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया डेंगू एंड काला अजर लेपरस एट्सिट्रा सो आने वाले दस सालों में इसको कैसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए इस बात के ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन में फोकस किया जाएगा और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सो so, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो टू टू फाइव इयर्स के जो चाइल्ड है उनके लिए वैसे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशेटिव पी नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस फ्रेमवर्क इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेली कंसिल सर्विसेज आर आल्सो बीइंग इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ तो जहां डॉक्टर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी आयुष्मान भारत वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो आयुष्मान भारत को ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी एक्लेमेशन मिल चुका है काफ़ी प्रेज मिल चुका है सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर नेशनल हेल्थ मिशन उसका ओवरऑल टारगेट ये है कि हमारा जो एंटायर स्टेट लेवल पे रूरल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्बन लेवल पे जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है उसको बढ़ाना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया से रिलेटेड है Uh, और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है सो so, वो है चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव ना व्हाट इज़ साउथ एशियन इनिशिएटिव जब चाइना उसको लीड कर रहा है तो इंडिया का उसमें क्या सिग्निफिकेंस होगा इंडिया के क्या कंसर्न्स होंगे उन सारे टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है सो रिसेंटली बांग्लादेश हैज़ इन्वाइटेड इंडिया टू जॉइन द चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव फॉर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन एंड पॉवर्टी एलिविएशन ओके सो बांग्लादेश ने इन्वाइट किया है कि भाई हमारा एक ग्रुप है जो कि जिसको लीड कर रहा है चाइना आप उसमें आ जाओ अब बांग्लादेश और हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ द चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाई रिजर्व एंड अ पोवर्टी एलिविएशन एंड अ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर सेटअप इन चाइना तो देखिए चाइना किस तरह से जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसमें पोलि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम कर रहा है और उसके लिए उसने साउथ एशियन इनिशिएटिव बनाया है तो उसके मेंबर्स कौन कौन है मेंबर्स है चाइना जो कि उसको लीड कर रहा है देन अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका देखिए श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन इज़ स्टडी नेपाल के साथ हमारे रिलेशन ऊपर नीचे होते रहते हैं बट स्टिल हमारे रिलेशन ओवरऑल अच्छे हैं बांग्लादेश के साथ एंड अफगानिस्का अफ़गानिस्तान के साथ वी आर इन स्ट्रॉन्ग बाइलिटरल रिलेशनस चाइना और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है दैट इज़ एट वर्स्ट कंडीशन इन करंट सिनारीो और चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं सो so, अगर आप ओवरऑल देखा जाए देखने जाओगे सो so, हम नहीं जानना चाहते वाई बिकॉज एक तो पाकिस्तान का प्रेजेंस होगा वहाँ पर और चाइना उसको लीड कर रहा है सो so, इंडिया ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहेगा जहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ उसको दिखेगा राइट सो इंडिया भूटान एंड द मालदीव्स आर द अदर सार्क कंट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव देखिए अफगानिस्तान इज अ बांग्लादेश इज मेंबर ऑफ सार्क नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑल आर मेंबर ऑफ सार्क सार्क में चाइना मेंबर नहीं है सार्क का फुल फॉर्म क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजियनल कोऑपरेशन जिसमें चाइना इज़ नॉट द मेंबर तो एक तो ये देखा जा रहा है कि भाई चाइना ने ये ग्रुप बनाया है इसीलिए क्योंकि वो सार्क में नहीं है और सार्क की सिचुएशन अभी हमें पता है कि सार्क को इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है 2016 से सार्क कंट्रीज़ की मीटिंग ही नहीं हुई है क्योंकि इंडिया ने टेररिज्म के चलते पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया था अब इंडिया इतना बड़ा नेशन है सार्क में तो इंडिया के चलते बाकी सारे कंट्रीज ने भी बॉयकॉट कर दिया सार्क मीटिंग्स को सार्क समिट्स को अब चाइना स्वप इन कर लिया है और बाकी सारे जो सार्क कंट्रीज है उसको मिलाकर वो साउथ एशियन इनिशिएटिव चला रहा है तो एक इंडिया के काउंटर में ये देखा जा रहा है इंटेंडेड विजन क्या था सो चाइना हैज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मेरी टाइम पोलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट विद डिफरेंट साउथ एशियन नेशंस सो इट इज इंक्रीजिंग इट्स एंगेजमेंट विद ईच कंट्री ऑन इक्वल फूटिंग टू काउंटर बैलेंस इंडिया तो इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना हर एक कंट्री के साथ अपना जो रिलेशन है वो बढ़ा रहा है इंडिया का स्टैंड क्या है सो गिवन कंटिन्यूइंग टेंशन ओवर चाइनीज पी एल एग्रेशन एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख इंडियाज स्टैंड इज दैट अदर बाइोलिट्रल रिलेशंस कैन नाट मूव अहेड विदाउट रिजोल्यूशन ऑफ़ द बाउंड्री स्टैंड ऑफ ओके इंडिया ने अपना चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ अपना मूव जो है स्टैंड uh, जो है वह काफ़ी क्लियर कर दिया है असोसिएटेड इश्यूज क्या है सो द इनिशिएटिव सीम्स टू बी चाइनाज स्ट्रेटेजी To contain and undermine India's role in South India. अब तक इंडिया ये कर रहा था कि भाई चाइना को काउंटर करना है अब चाइना चाइना को भी इंडिया का जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है उससे थोड़ा बहुत डर लग रहा है एंड डैट्स वाई चाइना बाकी सारे जो छोटे मोटे कंट्रीज है उनके साथ भी अब अप अपना रिलेशन बढ़ा रहा है दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन दी फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स सो क्या क्या है सो माइनस इंडिया इनिशियटिव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सार्क मेंदर देन इंडिया भूटान एंड मालदीव लेड सम एक्सपर्ट्स टू सजेस्ट दैट दिस वॉज मेंट टू बी माइनस इंडिया इनिशियेटिव राइट अगर पहले से ही साउथ इंडिया साउथ एशिया के कुछ इनिशियेटिव लेना था तो इंडिया तो सबसे बड़ा साउथ एशियन कंट्री है क्यों पहले से ही उसको अप्रोच नहीं किया गया डायल्यूटिंग इंडियाज रोल इन साउथ एशिया इज द मेजर

इंडिया ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर और तब से पाँच साल होने को है सार्क की एक भी समिट नहीं हो पाई है तो इसी इसका फायदा आप कौन उठा रहा है चाइना उठा रहा है द चाइनीज पुश टू द रीजनल ग्रुपिंग कम्स ऑल्सो एट अ टाइम वेन इंडिया हैज बिन सार्क टर्निंग इट्स फोकस मोर ऑन येट अनदर रीजनल ब्लॉक बिम्स्टेक काउंटरिंग क्वाड तो देखिए क्वाड में चार नेशन है यूएसए ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया तो उसको काउंटर करने के लिए भी चाइना ने यह मूव किया है द चाइना लेट ब्लॉक कूड बी इट्स प्लान टू क्रिएट अ वॉट सम कॉल नॉर्दर्न हिमालयन क्वाड एम एट काउंटरिंग द यू एस लेट क्वाड ऑफ विच इंडिया इज एन एक्टिव मेम्बर तो जो यूएस लेड क्वाड है उसको काउंटर करने के लिए चाइना बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान जैसे जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनको अपने साथ लेना चाहता है साउथ एशिया में इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए है सो इन अर्ली 2021 इंडिया ड्रिवन बाय इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स रोल एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन बिगेन प्रोवाइडिंग कोविड 19 वैक्सीन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस टू इट्स इमीडिएट नेबर्स जिसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा गया तो हमने नेपाल में भूटान में श्रीलंका में बांग्लादेश में मालदीव्स में यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इंडिया ने अपनी वैक्सीनेशन क्या की है प्रोवाइड की है इंडिया इज़ आल्सो हेल्पिंग विद द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन सम ऑफ दिस कंट्रीज एंड एंड द सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू एडमिनिस्टर द शॉर्ट्स रिसेंटली इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है फॉर्मरली लॉन्च दी सप्लाई चेन रेजिलियस इनिशिएटिव एस सी आर आई ओके ताकि इंडियन ओशन में जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है चाइना का उसको काउंटर कर किया जा सके तो इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्रीज उसके सामने आए हैं इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना एमिट अ लाइवलीहुड ऑफ रीचर्निंग ऑफ सप्लाई चेन्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स एमिट द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो चाइना के ऊपर जो इट uh, डिपेंडेंस है ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड का उसको कम किया जा सके अगर इंडिया के पास अपना इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास अपना एक मेरी टाइम स्ट्रांग चेन होगा तो चाइना की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी हाउ एवर इंडिया फॉर ये स्ट्रगल्ड टू मैच दी पेस ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज सच एज श्रीलंका नेपाल एंड दी मालदीव वेयर चाइना इज बिल्डिंग पोर्ट्स रोड एंड पावर स्टेशन एज पार्ट ऑफ इट्स बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया ऑलरेडी इसको काउंटर कर चुका है पिछले लेक्चर्स में भी हमने इसके बारे में बात की है रिसेंटली द रिजियोनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आर सी ई पी अ मेगा ट्रेड ब्लॉक कंप्राइजिंग फिफ्टीन कंट्रीज लेड बाई चाइना हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस इट हैज इंडिया इट हैज़ केप्ट द डोर्स फॉर इंडिया ओपन तो देखिए इसमें कौन से कौन से कंट्रीज है आर सी ई पी सोलह कंट्रीज का बना हुआ एक ग्रुप है टेन आसियान कंट्रीज देन आसियान प्लस थ्री कंट्रीज दोज आर साउथ कोरिया जापान एंड चाइना एंड अदर थ्री कंट्रीज दो हज़ार न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तो ये सारे कंट्रीज़ ने मिलाकर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बनाया था बट क्योंकि इंडिया के बहुत सारे कंसर्न्स थे डेरी uh, सेक्टर को लेकर स्टील सेक्टर को लेकर uh, आयरन सेक्टर को लेकर तो इसी वजह से इंडिया ने एज ऑफ नाउ आर पे सिग्नेचर नहीं किए हैं और चाइना जापान ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सारे कंट्रीज ने ये बोला है कि इंडिया आधी रात को भी अगर आर में जुड़ना चाहता है सो इंडिया यहाँ पर जुड़ सकता है ओके सो आर के बारे में भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए और ये सारे जो साउथ एशिया एशिया में इंडियन इनिशिएटिव्स है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया और वो है आकाश एनजी एंड एम पी ए टी जी एम डी आर डी ओ सो रिसेंटली द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डी आर डी ओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल एंड द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल काफ़ी छोटा टॉपिक है इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे हमें पता ही है कि नाग मिसाइल क्या है इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम क्या है और डी आर डी ओ आए दिन ये सारे टेस्टिंग करता रहता है In June 2021, but again this is very important for your upcoming examination. Uh, सारे जो class one, two class one और class two के जो आपके examination हैं, उसमें हमने देखा है, ये observe किया है कि किसी ना किसी DRDO ऑब्जेक्ट को लेकर एक आध सवाल आपको पूछा ही जाता है ओके सो इन जून 2021 ट्वेंटी वन अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी अग्नि प्राइम वॉज सक्सेसफुली टेस्टफाइड बाई डी आर डी ओ इन फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली टेस्ट टेस्टफाइर्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलीना एंड ध्रुवास्त्र तो हेलीना और ध्रुवास्त्र दोनों के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है एक वर्जन आर्मी के लिए है और एक वर्जन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है एलिनॉर ध्रुवास्त्र में से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है सो इट इज़ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अ विजन टू एम्पावर इंडिया विथ अ कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज तो देखिए अब पिछले सालों में इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर का जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी बदल चुका है अब तक हम क्या करते थे रशिया से मिसाइल ले लिए यू एस एस ए मिसाइल ले लिए सो एंड सो नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर नॉट ओनली बिकमिंग आत्मनिर्भर बट नाउ इंडिया इज प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विसेज टू स्मॉलर कंट्रीज बांग्लादेश फिलीपींस श्रीलंका भूटान नेपाल और जो आसियान के कंट्रीज हैं उनको इंडिया डिफेंस सप्लाइज पहुंचा रहा है तो नाउ इंडिया इज बिकमिंग मेजर डिफेंस प्लेयर इन दिस साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सिर्फ पहले जो हम कंज्यूमर थे नाउ वी आर मैन्युफैक्चरर एज वेल ओके इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958 फिफ्टी वाज डी एस्टैब्लिश्ड इन 1958 आफ्टर कंबाइनिंग द डी ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दी टी डी विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशंस ओके क्या है नाग मिसाइल और क्या है हमारा मिसाइल प्रोग्राम सो so, मिसाइल प्रोग्राम जो था दैट वॉज द विज़न ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सो इट वॉज़ कंसीव्ड बाई डॉक्टर ए जे अब्दुल कलाम टू अनेबल इंडिया अटेन सेल्फ सफिशियंसी आत्मनिर्भरता इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी द फाइव मिसाइल्स आर स्टैंड एस पी ए टी एन ए पटना पृथ्वी आकाश त्रिशूल नाग एंड अग्नि ओके सो पृथ्वी क्या है सो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि इज बैलिस्टिक मिसाइल्स विद डिफरेंट रेंज अग्नि वन टू थ्री फोर फाइव अग्नि पी हमने देखा त्रिशूल क्या है शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल आपको सरफेस टू सरफेस है एयर टू सरफेस है सरफेस टू एयर है और उसकी रेंज ये खास याद रखना है नाग क्या है जो so, नाग इस थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल सीधा वो टैंक को ही उड़ा देगा और आकाश क्या है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तो हमने देखिए ओवरऑल सारे ही वॉर में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे एरियाज़ को कवर कर लिया है आकाश एनजी मिसाइल क्या है सो इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल अगर एयर ऑब्जेक्ट कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपको अगर दिखेगा तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा डिस्ट्रॉय करेगा आपका आकाश एनजी मिसाइल इट इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ द आकाश मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक टारगेट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 60 किलोमीटर एंड फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अप टू 2.5 पॉइंट फाइव मैक देखिए सिक्सटी किलोमीटर अगर कोई दूर होगा फॉरन uh, टारगेट तो उसको ये मार गिराएगा वंस डिप्लॉयड आकाश एनजी वेपन सिस्टम विल प्रूव टू बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द एयर डिफेंस केपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कौन करेगा सो डेवलप्ड बाई डी आर डी ओ हैदराबाद इन कॉलोबरेशन विद अदर डी आर डी ओ लैबोरेटरीज इट इज बींग प्रोड्यूस्ड बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बोथ गवर्न बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आकाश मिसाइल क्या है सो आकाश इज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दैट कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस द मिसाइल इज़ यूनिक इन अ वे दैट इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स लाइक बैटल टैंक्स और व्हील्ड ट्रक्स इट हैज़ नियरली नाइंटी किल प्रोबेबिलिटी द मिसाइल इज़ सपोज by the indigenously developed radar called Rajendra. The missile is reportedly cheaper and more accurate than US's Patriot missiles due to its solid fuel technology and high-tech radars. So, ये सारे specifications किसके हैं? आकाश missile के specification हैं. और हर missile जो हमने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जो देखी, every वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस और इसीलिए साइमल्टेनियसली uh, सभी के अपग्रेडेड वर्जन आए दिन हमें देखने को मिलते हैं ओके सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक इफ़ एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट अस टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी